तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं धनगद्दी। धनगद्दी एक पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर सिमडेगा शहर का सबसे बड़ा झरना है। तो यहाँ जाने के लिए आप लोगों को दो रास्ता है। एक सिमडेगा के कोर्ट ग्राउंड के बगल से जाता है जो सेवई होके जाएगा, और एक आपका सिमडेगा कॉलेज के पीछे वाला रास्ता, ये रास्ता जाता है धनगद्दी की ओर कैसे ही होते हुए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिमडेगा कॉलेज का पीछे का हिस्सा है और इसके साथ ही रास्ता गया हुआ है। इसी रास्ते से हम लोगों को आगे बढ़ना है। एक और रास्ता है जो थेटांगर होके जाता है, तो वहाँ से भी हम लोग धनगद्दी की ओर जा सकते हैं। तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं और आप ये चारों ओर का दृश्य देख सकते हैं, चारों ओर का नज़ारा देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सीनरी है। धनगद्दी सिमडेगा मुख्य शहर से लगभग 44 से 45 किलोमीटर दूर है। इसका दो रास्ता है, दो नहीं एक्चुअली में तीन रास्ता है। एक रास्ता कोर्ट ग्राउंड के पीछे से जाता है सेवई होते हुए, दूसरा रास्ता कॉलेज के पीछे से जाता है मथुरा मेटा होते हुए, और एक और रास्ता है जो कि थेटांगर से अलग होता है। तो तीनों रास्ते से आप जा सकते हैं। दूरी लगभग सेम ही है, 4-5 किलोमीटर का, कम ज़्यादा हो सकता है। तो आप लोग आ सकते हैं तीनों रास्ते से। फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो रेंगारी नाम का एक जगह मिलेगा आपको। रेंगारी में एक बड़ा सा चर्च देखने को मिल जाएगा। ये चर्च है और इससे होते हुए हम लोगों को इधर जाना है। ये जो पुल आप लोग देख रहे हैं, ये सिमडेगा जिला का सबसे लंबा पुल है, बोधाधार नाम का नदी में बना हुआ है। ये लगभग 1 किलोमीटर लंबा पुल है। तो ये हम लोग केरसई पहुंच चुके हैं। ये केरसई का मुख्य चौक है। यहाँ से हम लोग को इस ओर जाना है धनगद्दी के लिए। अब हम लोग बढ़ रहे हैं धनगद्दी की ओर। तो फ्रेंड्स, ये है धनगद्दी का मेन गेट। आप थेटांगर और बोरबा होके आते हैं तो आप ये रास्ता से आ सकते हैं, और अगर आप केरसई होके आते हैं तो ये वाला रास्ता आपको लेके आएगा। चलिए हम लोग धनगद्दी पिकनिक स्पॉट के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहाँ का सीनरी। धनगद्दी मुख्य गेट से अंदर आने के बाद आप ये रास्ता से नीचे नदी तक जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बैठने के लिए भी बना गया है। तो चलिए हम लोग नदी की तरफ जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है देखने लायक। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई वंडरिंग्स में। ये मेरे साथ मेरे दोस्त राजन, इनसे आप पहले मिल चुके हैं। तो आज हम लोग आए हुए हैं सिमडेगा शहर का एक पिकनिक स्पॉट धनगद्दी नामक स्थान पर। ये सिमडेगा मुख्य शहर से लगभग 45 से 46 किलोमीटर दूर है। ये धनगद्दी पिकनिक स्पॉट जो है, यहाँ पर सिमडेगा का सबसे बड़ा झरना है। तो चलिए हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आसपास के दृश्य को देखते हैं। सामने गाड़ी पार्किंग के लिए बनाया गया है। वहाँ से नीचे उतरने के बाद आप यहाँ एक बैठने का जगह बनाया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। एक दो झूले भी हैं बच्चों के खेलने के लिए। तो अब हम लोग चलेंगे झरने की ओर। ये पूरा आप लोगों को समुद्र का फीलिंग आएगा, जैसा हमारा समुद्र के किनारे होता है।
सामने से झरना से होते हुए पानी आ रहा है और इस जगह से पानी घूम के यहाँ पर फिर से वापस जा रहा है। ये देखिए, ये समुद्र का मजा ले रहे हैं हमारे दोस्त। सिमडेगा शहर से समुद्र तो काफ़ी दूर है, लेकिन ये धनगद्दी आइएगा आप तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसका कुछ अनुभव आ सकता है। देखिए, ये बैठने के लिए बनाया गया है, यहाँ बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है। आप सामने झरना देख सकते हैं, ये सिमडेगा का सबसे ऊंचा झरना है। आप देख सकते हैं पानी का स्पीड कितना ज़्यादा है। ये यहाँ पर ट्री हाउस बना हुआ है, यहाँ चढ़ के आप चारों ओर का दृश्य का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है, आप लोग पूरे परिवार के साथ आ सकते हैं, कभी भी आइए यहाँ पिकनिक मनाने के लिए, बहुत अच्छा जगह है। पानी का बहाव काफ़ी तेज है और काफ़ी ऊंचा झरना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने धनगद्दी पिकनिक स्पॉट को देखा, इसके आसपास के दृश्य को देखा, आसपास के नज़ारों को देखा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो इस अच्छे जगह को आकर यहाँ के मनोरम दृश्य का आनंद उठा सकें। इन्हीं सही बातों के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। यहाँ पर एक मंदिर भी है, आप यहाँ मूर्ति तो नहीं है किसी चीज़ का।